हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूं क्या है आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन इस वक्त में है, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ, कैसा कुछ महसूस करा जा रहा है, क्या क्या चेंजेस इनकी एनर्जीज, इनके इमोशंस में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर आए हैं। इन सभी चीजों को यहाँ पर कैंडल वैक्स के थ्रू देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रही हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है। हो सके तो उनका और अपना नाम आप यहाँ पर 3 से लेकर 5 बार जरूर से ले लीजिएगा रीडिंग के स्टार्ट होने से पहले, ताकि मैक्सिमम आप कनेक्ट कर पाए, आपको आपके सवालों का जवाब मिल पाए। पूरी तरह से टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। इस चीज को ध्यान में रखकर ही आप इस रीडिंग को देखेंगे, यानी कि जबरदस्ती हर बात में अपने आप को फिट नहीं करना है आपको। तो सबसे पहले हम इस इंसान के स्टेट ऑफ माइंड को देखेंगे, जानेंगे, वो भी चार्म्स और रूल्स के माध्यम से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने जा रही है, क्योंकि इस रीडिंग में हम चार्म्स, रूल्स, कैंडल सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि मैक्सिमम हम आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके अपडेट्स के बारे में हम जान पाए। तो अंत तक रीडिंग देखिएगा, बहुत जानकारी आपको मिलने वाली है इस रीडिंग के माध्यम से। ठीक है व्यूअर्स, ये व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस स्टेट ऑफ माइंड में है डिवाइन। देखो, दिल से तो ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि टूट चुके हैं, या दिल इनका टूटा हुआ है। ऐसी फीलिंग, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड इस इंसान ने अपना बना रखा है। मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना ये जो टूटा हुआ दिल मान रहे हैं ना, उसे ये आपसे जोड़कर देख रहे हैं, या उसको पूरा होते हुए ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही महसूस कर पा रहे हैं इस वक्त में। ऐसी एनर्जी है, होप डेफिनेटली इस इंसान ने अभी भी बना रखी है यहाँ पे आपसे, आपसे जुड़े हुए रिश्ते से, या फिर कह सकते हो कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी है ना यहाँ पे, जो भी वर्क कर रही है वो इस इंसान को आप ही की तरफ डायरेक्शन दे रही है, मतलब आप ही की तरफ इन्हें पहुंचने के लिए बोल रही है। चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि आप अब इस इंसान को काफी ज्यादा इनके ड्रीम्स में दिखाई देते होंगे, क्योंकि डिवाइन और यूनिवर्स चाहती है इन्हें गाइड करना। जब कोई भी परेशान होता है ना, तो कहीं ना कहीं डिवाइन वहां पर उसका साथ जरूर देती है। वो बात और है कि आप उनके मैसेजेस को, उनकी गाइडेंस को, उनकी डायरेक्शंस को समझ पाते हो या नहीं पाते हो, लेकिन डिवाइन किसी भी इंसान को ना दुखी नहीं देख सकती है। तो यहाँ पर मुझे ये पर्सन कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग में दिख रही है कि हाँ, दुखी ये है, और स्पेशली अपने रिश्ते को लेकर, और इसीलिए यहाँ पे इन्हें डायरेक्शन दी जा रही है आपकी तरफ। वो भी मुझे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आप इस इंसान के लिए जैसे लकी साबित होते हुए दिख रहे हो, एज इन जब आप इनकी जिंदगी में आए तो इनका लक इनका साथ देने लगा, या फिर ये पर्सन पहले काफी अग्रेसिव थे, नेगेटिव थे अपनी लाइफ और अपनी फ्यूचर को लेकर, लेकिन आपके साथ रहने पर एक पॉजिटिविटी आपको इनके अंदर दिखाई दी, और जैसे अब आप दोनों अलग अलग हो तो फिर वो अगेन आपको नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे आपका और जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं ना, उनका ऑरा काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जिसके चलते इस इंसान के ऊपर उस चीज का इम्पैक्ट पड़ा, और ये पर्सन इस वक्त में भी वही चीजें खुद भी फील कर पा रहे हैं कि जितने पल ये आपके साथ रहे उतना पल ये पर्सन एक होपफुल रहे, होप रख पा रहे थे, या इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनकी जो जिंदगी है ना वो डायरेक्शन लेस तो नहीं रह गई है, कोई ना कोई मंजिल इनकी है और ये वहां तक जरूर से पहुंचेंगे, भले इनकी जो चाल है वो स्लो ही क्यों ना हो। तो वही चीजें यहाँ पर इस इंसान को अगेन आप में दिख रही है, चाहे वो खुद से देखी जा रही हो या डिवाइन की तरफ से इन्हें वो चीजें महसूस कराई जा रही हो। आपके साथ रहने पर इस इंसान ने बहुत कुछ अचीव करा है, बहुत सारे गोल जो भी थे इनके ना, जो इन्होंने आपसे अक्सर अक्सर डिस्कस करे,
या आपके सामने रखी भी हूँ, तो इन्होंने बहुत कुछ अचीव करा है। ऐसा नहीं है कि आपके आने के बाद कुछ चीजें इनसे छूटी है, जितनी भी चीजें इन्हें मिली है वो आपके साथ आपके लक की वजह से मिली है, और उस चीज को भी ये पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा समझ पा रहे हैं, या ये कह सकते हो अगेन डिवाइन इन्हें वही चीजें समझा रही है, क्योंकि डिवाइन इनके इस टूटे हुए दिल को अगेन इन्हें डायरेक्शन लेस होने नहीं देना चाह रही। तो यहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त में ना व्यूअर्स होना हो आप में वो सभी क्वालिटीज देख पा रहे हैं जो एक वक्त पे अपने घमंड के चलते या किसी और की बातों को सुनने के चलते ये पर्सन सुन नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे, या फिर उसे इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे सारे ही साइंस मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे व्यूअर्स यकीन का एलिफेंट भी एक स्टेबिलिटी को डिनोट कर रहा है, एक लॉन्ग स्टेबिलिटी को, जिसके बारे में ये पर्सन इस वक्त में काफी ज्यादा सोच रहे हैं, या फिर इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ इन्हें लेकर जा रही है। कैसे ये अपनी जिंदगी में वो स्टेबिलिटी पा पाएंगे, ऑब्वियसली आपके साथ, जिसके साथ एक वक्त ऑलरेडी इस इंसान ने वो पल जिया जिसमें इनकी जिंदगी में सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन स्टिल इस इंसान ने या तो अपने घमंड के चलते, आप लोगों की बातों को सुनने के चलते, इस इंसान ने इन सभी चीजों को जाने दिया बहुत आसानी से। इस पल में ना मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं काफी ज्यादा अकेले बैठे हैं ये, और अकेले बैठने की वजह से ही ये पर्सन आपको अपनी जिंदगी में एक वेल विशर, एक एंजल, एक डिवाइन एनर्जी जो इनके साथ आई उस तरह से ये पर्सन समझ पा रहे हैं। वरना आपने ये चीजें देखी होंगी कि लोगों को सुनकर ये पर्सन आपको काफी अच्छा बुरा कहने से भी कभी भी नहीं कतराए, या काफी कुछ इन्होंने आपको बुरा भी कहा। अपने लक के बारे में, अपनी डेस्टिनी के बारे में जितना ज्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं उतना ज्यादा इनका जो फोकस है वो आपकी तरफ इन्हें यूनिवर्स या डिवाइन लेकर जा रही है। आप डेफिनेटली इस इंसान के मेंटोर थे, आपने इन्हें बहुत सारी चीजों को लेकर गाइड करा, इन्हें बहुत सारी चीजें आपने सिखाई, या फिर ये कह सकते हो इन्हें आपने बहुत सारी चीजें दी। आप ये सब चीजें क्यों दे रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो सोल थी वो प्योर थी, और आप उस प्योरिटी के चलते ही एक हमेशा इस रिलेशनशिप में या इस इंसान को लेकर एक गिविंग एटीट्यूड के साथ ही रहे। इस चीज को भी ये पर्सन इस वक्त में काफी ज्यादा समझ पा रहे हैं। देखो यहाँ पर ना ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी व्यूअर्स, कि ये पर्सन जान सब पा रहे हैं, समझ सब पा रहे हैं। इस पल में भी वही एनर्जी है कि जान भी सब पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, लेकिन अब ये पर्सन कुछ भी बिगाड़ी हुई चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसी रीजन की वजह से यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को संभालने के लिए उस चीज पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, उस सच पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं जो इनसे हो नहीं सकता। एज एन वो सच है कि आपने इस रिश्ते में बहुत करा है, बहुत दिया है, और इनका पर्दा डालने के पीछे का कारण मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि क्यों ये पर्सन ये पर्दा डाल रहे हैं। ये पर्सन समझ रहे हैं इस वक्त में क्योंकि कि आप इनकी स्ट्रेंथ थे, आप जो भी इन्होंने अपनी जिंदगी में पावर पाई, स्ट्रेंथ पाई, मजबूत ये बनकर रहे ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आप हमेशा इस रिश्ते में क्योंकि दे रहे थे इस इंसान को और खुद कमजोर पड़ रहे थे। ऐसे भी चांसेस हैं आपने इन्हें बहुत प्रोटेक्ट करा है, यानी कि जो भी आंच इन पर आनी थी आपने उस आंच से इन्हें हमेशा बचाया है, और उस चीज को भी ये पर्सन काफी ज्यादा इस वक्त में मिस कर रहे हैं। चलिए, तो ओवरऑल मुझे एक पॉजिटिव माइंडसेट इस इंसान का दिख रहा है आपको लेकर इस वक्त का। देखते हैं इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, फोकस आप अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखिएगा व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या है। देखो मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं, एक वक्त पे डेफिनेटली पर्सन ना नेगेटिव हुए हैं, कुछ नेगेटिव चीजें इन्होंने आपको लेकर रखी हैं, और वही चीजें अब इस इंसान को आपसे दूर लेकर जा रही हैं, या अपने आप को दूर खड़ा हुआ इन्हें खुद से महसूस करा रही हैं कि कितना दूर ये चले आए अपनी तीखी बातों की वजह से। यहाँ पे एल लेटर नंबर 7 और जुलाई मंथ, वी लेटर मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड इवन यू लेटर भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन सकता है, आपसे रिलेट कर सकता है।
तो बेसिकली यहाँ पर देखो व्यूअर्स, जितना ज्यादा जानकारी इस इंसान को इनका अकेलापन या आपकी दूरियां इन्हें दे रही है ना, वो शायद आपकी नजदीकियां भी इस इंसान को नहीं दे पाती, और वही दूरियां इस इंसान को आपसे और दूर जाने के लिए मजबूर कर रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक वक्त पे इस इंसान के अंदर एक मैं वाली एनर्जी, एक एटीट्यूड, एक घमंड आया, जो चीजें इन्हें मिल रही थी ना वो आपके लक की वजह से मिल रही थी, लेकिन इनके अंदर ये घमंड आया कि इन्होंने ये चीजें अपने बलबूते पर पाई हैं। यही चीजें इस इंसान को आपसे और दूर खड़ा रखने के लिए अपने आप को फोर्स कर रही हैं। बहुत छोटापन ये पर्सन ना अपने कहे हुए शब्दों को लेकर इस पल में जैसे महसूस कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा कहा है इन्होंने जो इन्हें नहीं कहना चाहिए था, जिसे ये पर्सन वापस नहीं लेकर आ पा रहे हैं। यहाँ पर ना जितनी भी दूरियां इस इंसान ने इस रिश्ते में बनाई हैं, अब ये पर्सन उन दूरियों को मिटा नहीं पा रहे हैं। इसी रीजन के चलते ये पर्सन और ज्यादा यहाँ पर बेचैन हो रहे हैं, या और ज्यादा इस इंसान के लिए आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता एक सवाल बनता जा रहा है। क्या ये इनके नसीब में है या नहीं, क्या आप दोनों फिर से मिलोगे या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने हर एक कहे हुए शब्द, हर एक करी हुई हरकतें, एक छोटापन तो यहाँ पर इनके अंदर लेकर आ रही है। नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ भी मुझे आपके लिए व्यूअर्स काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ना एक ट्विन फ्लेम और एक सोलमेट एनर्जी में दिख रहे हैं, यानी कि जब ये पर्सन आपके कांटेक्ट में आए तब हूबहू आपने देखा होगा कि आपके जैसे हैं या आप इनके जैसे हो, ठीक है। और इसका कारण यही था कि आप एक सोल जर्नी या एक ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, इस रीजन की वजह से आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना ज्यादा अट्रैक्ट हुए, या जो चीजें ये पर्सन अकेले रहकर नहीं कर पाए वो चीजें ये आपके साथ रख होकर उन्हें पूरा कर पाए, क्योंकि जर्नी आप दोनों की, मंजिल आप दोनों की एक थी। इस चीज को ये पर्सन ना इस वक्त में जैसे मानो आपके फोटो को देखकर बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, या उस तरफ इनकी इंट्यूशन इन्हें लेकर जा रही है। आपका कोई फोटो वगैरह इन्होंने अभी भी संभाल के रख रखा है, चाहे वो पासपोर्ट साइज फोटो हो या मोबाइल में इन्होंने अभी भी आपका फोटोज, पिक्चर्स वगैरह रख रखी हो, तो उसे ये पर्सन देख रहे हैं, इसके चांसेस बन रहे हैं। मुझे ना आप इस इंसान के लिए एक नींव बनते हुए दिख रहे हो, या इस रिश्ते की फाउंडेशन जो होते हैं ना वो आप थे। जैसे ही ये फाउंडेशन हिली या आप जैसे ही यहाँ से दूर हुए, वैसे ही इस इंसान की जिंदगी में एकदम तहलका मच गया। इसे भी ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं इस पल में, ये चीजें हैं। फीकापन इन्हें अपनी जिंदगी में डेफिनेटली महसूस हो रहा है, मुझे चांसेस दिख रहे हैं। थोड़ा सा ना अब इस इंसान को सरदर्द ज्यादा रहने लगा हो, या माइग्रेन अब इन्हें होना शुरू हो गया हो, क्योंकि ऐसी फीलिंग है जैसे सर की नसें ना इनकी फटी जा रही हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स की भी पॉसिबिलिटीज है कि आप भी माइग्रेन से ग्रस्त हो, इसकी भी पॉसिबिलिटीज कुछ व्यूअर्स के केस में बन रही है। सी लेटर यहाँ पर है, यू लेटर तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना ज्यादा ये पर्सन आपको अपने एक लक के तौर पर फील कर पा रहे हैं, उतना ज्यादा दिल इनका यू टर्न करने के लिए बोल रहा है। लेकिन रास्ते खुद से मिटाने वाले, खुद से खत्म करने वाले इंसान के लिए यू टर्न लेना अब आसान नहीं है। ई लेटर भी यहाँ पर है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ये पर्सन जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप काफी ज्यादा आध्यात्मिकता से जुड़े हुए थे, और आप जब इनके साथ थे तो आप वो चीजें इन्हें भी समझाते थे, बोलते थे। अब ये पर्सन भी कहीं ना कहीं हूबहू आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, या आध्यात्मिकता से ये पर्सन जुड़ने की अपनी साइड से कोशिश कर रहे हैं। इनको ना रह रहकर ये चीजें ज्यादा रेस्टलेस कर रही हैं, कि ये अपने टूटे हुए दिल के बारे में सोच रहे हैं, और एक पल पे इन्होंने आपके दिल के हजारों टुकड़े कर दिए थे। उस वक्त में आपने अपने आप को कैसे संभाला होगा, कैसे समेटा होगा, वो सभी चीजें इस इंसान के दिल में एक सवाल के तौर पर उठ रही हैं, या वो सभी चीजें इस इंसान को काफी ज्यादा उलझन जैसी महसूस करा रही हैं। देखो मुझे ना व्यूअर्स ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है, एक ऐसी इमेज दिख रही है जैसे एक आईना। तो ये एक आईना है, और आपके पर्सन उस आईने में अपना वो सच देख रहे हैं, जिस सच को ये पर्सन
देख नहीं पाए, स्पेशली उस वक्त पे जिस वक्त पे इन्हें देखना था, जब सही वक्त था। तो ये पर्सन जितना ज्यादा अपने उस सच को देख पा रहे हैं, उससे अपने आप को जितना रिलेट कर पा रहे हैं ना, उतना कहीं ना कहीं इस इंसान का जो ईगो है वो वहां पर इनके आंखों में इन्हें टूटता हुआ फील हो रहा है। वो ईगो जो इस इंसान के दिल में डेवलप हुआ, उस ईगो को लेकर ये पर्सन अवेयर हो रहे हैं कि इसी ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से चूर चूर कर दिया। जैसे शीशे के टुकड़े होते हैं, ऐसे दिल के इन्होंने टुकड़े कर दिए, और टूटे हुए शीशे को जोड़ना नामुमकिन। तो उसी तरह से ये समझ पा रहे हैं कि आपके टूटे हुए दिल को ये कैसे कहां तक जोड़ पाएंगे। और ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान को ना अपने अंदर झांकने के लिए इन्हें ज्यादा बाध्य कर रही हैं, ठीक है। जो कभी इन्होंने नहीं झांका, मतलब अपने अंदर इन्होंने झांक कर देखा ही नहीं, हमेशा इस इंसान ने, क्योंकि आपके अंदर कमियां निकालनी ही देखी, या फिर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर वो अच्छाइयां ही देखी जो आपके बेसिस पर इन्हें मिल रही थी। आपको भले ये चीजें इन्होंने रियलाइज कराई हो या नहीं, आपसे कही हो या नहीं, लेकिन भाई देखो, खुद को तो सब चीजें पता है, और वही चीजें इस इंसान के साथ अब हो रही हैं। ऐसा दिख रहा है ना जैसे ये आईने के टुकड़े हैं, काफी नोकीले, जो इन्हें चुभ रहे हैं इस पल में भी। काफी ज्यादा अब रह रहकर इस इंसान को अपनी सिचुएशन, अपने हालात क्रिटिकल नजर आ रहे हैं। अभी तक तो ऐसा लग रहा था चीजें सही हैं, फ्लो में चल रही हैं, संभल जाएंगी, लेकिन अब इस इंसान को अपने हालात बहुत क्रिटिकल बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये मुझे आपके लिए जे लेटर दिखाई दे रहा है व्यूअर्स, आप से किसी ना किसी तरह से रिलेट कर सकता है, और ये आपका डब्ल्यू लेटर, और उधर से आप देखेंगे तो एम लेटर भी ये बन सकता है। यहाँ पे छोटे छोटे आपको व्यूअर्स फ्लावर्स बनते हुए दिख रहे होंगे, और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपकी उस खूबसूरती को इस वक्त में काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं जो आपके अंदर थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखो इंसान का बाहरी तौर पर खूबसूरत होना जरूरी है, ये पर्सन बाहरी अपीयरेंस पे ही ज्यादा भागे, लेकिन इस पल में ये पर्सन जितना ज्यादा आपको अपने लिए सही एकदम परफेक्ट पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, उतना ज्यादा आपकी इनर ब्यूटी को ये पर्सन समझ पा रहे हैं, और उसी चीज को, उस इनर ब्यूटी को ये पर्सन बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। चांसेस दिख रहे हैं आपने इस इंसान को बहुत बार माफ करा है, और वहीं से कहीं ना कहीं आती है आपकी इनर ब्यूटी। यहाँ पे जेड लेटर मुझे दिखाई दे रहा है व्यूअर्स, देखो होप तो इस इंसान ने रख रखी है, वो बात और है कि अभी इनकी इस होप का कुछ हो नहीं रहा है, अभी ये होप होप ही बनी हुई है, ये कोई आकार नहीं ले पा रही है, या ये जो आकार ले रही है वो उसका कोई मीनिंग नहीं बन पा रहा। लेकिन हाँ, इस इंसान ने अपनी तरफ से उम्मीद रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है इस पल में, तो स्पेशली वो फीलिंग यहाँ पर इनकी बन रही है। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स, जैसे ना अभी पर्सन ये सॉन्ग बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, या आप पहले सुनते थे वो सॉन्ग है ना, तुझ में रब दिखता है, तो उस तरह से ये पर्सन ना चीजों को रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि पर्सन समझ पा रहे हैं कि भले फिजिकल तौर पर ये आपके सामने नहीं झुके या नहीं आप इन्हें झुका पाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी यादें, आपकी सच्चाई, आपकी इनोसेंसी, आपकी प्योरिटी, इन सभी चीजों ने इस इंसान को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया है, या पूरी तरह से आपके सामने ने झुका दिया है। वैसी फीलिंग इस इंसान को रह रहकर यहाँ पर काफी ज्यादा छोटापन फील करा रही है। एम लेटर और डब्ल्यू लेटर मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, किसी ना किसी तरह से तो व्यूअर्स ही आपसे रिलेट करते होंगे। पी लेटर भी यहाँ पर है, पी फॉर पैरेट वाला, टी टी फॉर टाइगर वाला भी यहाँ पर बन रहा है व्यूअर्स। मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि नेचर वाइज आप लोग काफी ज्यादा सिमिलर थे, लेकिन अगर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी काफी रहे हैं, और वही रीजन बना है इस इंसान के घमंड रखने के पीछे का, या फिर इस सेपरेशन को एक्सेप्ट करने के पीछे का। जितना ज्यादा इस इंसान को व्यूअर्स एक्चुअली में अब आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, या आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल
थे, जैसे ये जानी अनजानी में खो बैठे हैं, जितना ज्यादा ये इस चीज को समझ रहे हैं उतना ज्यादा ये पर्सन अपने आप को आइसोलेट पा रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि इंसान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, वैसा एहसास इस इंसान को इस पल में हो रहा है। अपने ही जैसे चक्रव्यूह में, अपने ही सो कॉल्ड घमंड में ये पर्सन जैसे फंस कर रह गए हैं, वैसी फीलिंग इस इंसान को यहाँ पर हो रही है। बहुत ज्यादा इल्यूजन्स के चक्कर में, यानी कि भ्रम के चक्कर में ये इंसान मारे गए, ये इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं, या इस रीजन की वजह से इनका प्यार जो आप पूरा करना चाहते थे, इनकी किस्मत जो आप कहीं ना कहीं सुधारना चाहते थे वो अधूरी रह गई है, वैसी फीलिंग इनकी है। वाई लेटर यहाँ पर दिख रहा है, नंबर 4, यानी कि अप्रैल मंथ भी काफी लोगों से रिलेट करता होगा। अब तो इन्हें अपनी जिंदगी ऐसी फील हो रही है जैसे पहाड़ पर चढ़ने के बराबर। मतलब पहाड़ दिख रहे हैं, चैलेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं है। इस इंसान की जिंदगी में ना ग्रोथ नहीं है उस तरह से, तो बिल्कुल नहीं है जिस तरह से इन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि भाई आपसे दूर जाकर इनकी जिंदगी में ग्रोथ आएगी, तो उस तरह से तो ग्रोथ इन्हें नहीं देखने को मिली। ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो इस इंसान को ना अब इनकी जिंदगी, इनकी लाइफ एकदम खतरे से घिरी हुई है, खतरे में है, ऐसी फीलिंग इस इंसान को ज्यादा हो रही है। 7, 4 ऐसे नंबर्स मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, ऐसे मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि काफी सारे नंबर्स आपसे जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के केस में ये पॉसिबिलिटी है कि इस कनेक्शन में ना इन एंड आउट बहुत हुआ है इस इंसान के थ्रू, और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे कि 4 महीने बात करी, फिर 7 महीने बात नहीं करी, 7 हफ्ते बात नहीं करी, फिर अगेन बात करी, तो ऐसे करके यहाँ पे ये चांसेस है कि काफी ज्यादा इन एंड आउट इस कनेक्शन में हुआ है। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव व्यूअर्स गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। ये पर्सन ना इस वक्त में जितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस आपकी समझ पा रहे हैं, उतना इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में जो इनके लिए फीलिंग्स थी, जो काफी इंटेंस लेवल पर थी, काफी स्ट्रांग थी, वो काफी ज्यादा यहाँ पर कम हो गई है। ठीक है, मतलब जैसे कि था कि पहले कुछ भी करने के लिए आप तैयार थे, मेंटली इमोशनली फिजिकली आप तैयार थे, लेकिन अब ये पर्सन ये चीजें समझ पा रहे हैं कि जिस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपकी कदर नहीं जानी, अब उस इंसान के दिल में अपने लिए प्यार कैसे ये देख पाएंगे, वो चीजें इस इंसान को काफी ज्यादा दुखी कर रही हैं, वही चीजें काफी हो रही है इस इंसान के कमेंट को तोड़ने के पीछे की। मुझे चांसेस दिख रहे हैं थोड़ा सोशल मीडिया पर भी आपको ढूंढा जा रहा है, देखा जा रहा है, और जितना ज्यादा ये पर्सन आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, उतना ज्यादा ये कंफर्मेशन इस इंसान को मिल रहा है कि इनकी तरफ आपका बढ़ना, या इनकी तरफ इनकी खुशियों का बढ़ना जो आपके नाम से आपके साथ से इन्हें दिख रही हैं, उसमें उतने ही इन्हें डिलेज देखने को मिलेंगे, या उसमें उतनी ही पॉसिबिलिटीज इन्हें कम देखने को मिलेंगी। ऐसी चीजें भी इस इंसान को व्यूअर्स एक तरह से बुरी खबर के तौर पर फील हो रही है, क्योंकि देखो अगर इंसान अपने आप को समझ पा रहा है, या अपने अकेलेपन में इंसान अपने आप को खुश रख पा रहा है या रख पा रही है ना, तो उसको दूसरे की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, और ये पर्सन आपकी एनर्जी में यही चीजें फील कर रहे हैं इस पल में, क्योंकि यही चीजें तो अल्टीमेटली एक स्ट्रगल बन रही है ना। जितना आसानी से आप इनके करीब आ गए, आपने इन पर भरोसा कर लिया, वही चीजें उतनी ही ज्यादा इस इंसान को कॉम्प्लिकेट क्योंकि नजर आ रही हैं, इसीलिए ये यहाँ पे काफी ज्यादा दुखी हो रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है इनकी व्यूअर्स जैसे ना खुद से कुछ नहीं करना चाहते, जो भी करना है अगले को या अगली को करना है, इन्हें खुद से कुछ नहीं करना। हाँ ये एडवाइस दे देंगे, ये बातों को सुन लेंगे, वहां पे खड़े रहेंगे, लेकिन अपने आप से इन्हें कुछ नहीं करना। मतलब एक पत्थर बने रहने में या स्टैचू बनने में इन्हें देर नहीं लगती है,
इनको ना इस पल में ऐसी फीलिंग ज्यादा आ रही है कि आपका फोकस बजाय अब इस रिश्ते पर रहने के, आपका पूरा का पूरा फोकस ना अपनी जिंदगी में नए दरवाजों को खोलने के ऊपर है, चाहे वो किसी भी तरह के हो। मैं ऐसा नहीं कह रही एक रिश्ते को लेकर हो, वो सेल्फ ग्रोथ को लेकर, सेल्फ अवेयरनेस को लेकर, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अपने आप को जोड़ने को लेकर, या कुछ लोगों के केस में हो सकता है आप लोग अब नए पर्सन को भी आने देने के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार कर रहे हो, तो उस चीज को ये पर्सन ना ऐसे रिलेट कर रहे हैं कि अब आप इन्हें ना धोखा देने के लिए भी तैयार हो। आपने मेंटली इमोशनली इस चीज को लेकर भी अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि आप यहां से निकल जाओगे। ये चीजें इस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी नजरों में अपने लिए एक शत्रु के तौर पर रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि आप जैसे मानो इस इंसान को अपना प्यार, अपना हमदर्द, अपना जीवन साथी नहीं, अपना एक शत्रु मान रहे हो। ऐसी फीलिंग तक इस इंसान को इस वक्त में आ रही है, क्योंकि चीजें आप जो भी कर रहे हो वो इनके मन मुताबिक नहीं कर रहे हो, या इन्हें वो इनके मन मुताबिक होती हुई फील नहीं हो रही है इस रीजन की वजह से। इस इंसान को ये चीजें भी समझ में आ रही है, बहुत दूर ये चले आए हैं, या आप दोनों अब कहीं ना कहीं नदी के दो किनारे बन गए हो, दोनों अलग अलग किनारे पर हो, और जो प्यार, जो इमोशंस, जो जज्बात, जो रिश्ता आप दोनों को जोड़ता था ना कहीं उस चीज पर अब आप अपनी साइड से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। इस रीजन के चलते ये पर्सन आप में वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो अपने लिए एक भरोसा नहीं देख पा रहे, जो इन्हें अगेन उसी तरह से डाउट्स में लेकर जा रही है, उसी तरह से इन्हें जैसे कमजोर कर रही है, जो ये नहीं होना चाहते थे कभी भी, अपने आप को कभी भी नहीं देखना चाहते थे, तो वैसी फीलिंग मुझे उस पर्सन की दिख रही है। ठीक है, सो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट इस इंसान ने खुद ब खुद पाल रखी है, इनको कोई और ना कर रहा हो, ये खुद ही काफी है अपने आप को डिसअपॉइंट करने के लिए या नेगेटिव करने के लिए, तो वैसी फीलिंग है। जबकि आप में इस इंसान को अच्छाइयां दिख रही हैं, लेकिन स्टिल ये पर्सन अपने आप को जबरदस्ती तोड़ मरोड़ के नेगेटिव कर रहे हैं, तो वैसी फीलिंग मुझे दिखी इनकी। चलिए मैं देखती हूँ ओवरऑल यूनिवर्स क्या कहना चाह रही है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रही है इस रिश्ते को लेकर, आपके लिए कोई गाइडेंस आई है या क्या आपको करना चाहिए अब, क्योंकि ये पर्सन तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे, तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं देखती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अब इस सिचुएशन में। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स, peaceful resolutions, look for a sign, you are ready, perfect timing and bottom is compromise। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर सिचुएशन ना आपकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज पर आकर रुकनी है, यानी कि आप दोनों को समझौते करने हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे ये पर्सन चाह रहे हैं कि ये कुछ ना करें और सामने वाला सब कुछ करे, तो ऐसा तो यहाँ पर होना नहीं है। अगर आप अपने आप को मेंटली इमोशनली इस चीज के लिए प्रिपेयर कर चुके हो कि हाँ आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो और आप उसके लिए पूरी तरह से रेडी हो, तो डेफिनेटली आपको एक सही वक्त का इंतजार करना है। क्योंकि अगर अभी भी यहाँ पर सिर्फ अकेले आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो चीजें सिर्फ और सिर्फ उसी तरह से फिर से लौट फिर कर आपकी जिंदगी में आनी है जैसी ऑलरेडी होकर गई हैं। तो यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको बजाय इस इंसान को तैयार करने के, अपने आप को पहले तैयार करना है कि आप किस तथ्य पर, किस बात पर तैयार हो, ठीक है, और उसके बेसिस पर आपको एक सही वक्त का इंतजार करना है। यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है व्यूअर्स कि देखो, जब तक इस रिश्ते में एक कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, एक पीसफुल रेजोल्यूशंस नहीं होगा, जब तक इस रिश्ते में सिर्फ एक ही इंसान करता रहेगा या करती रहेगी, तब तक इस रिश्ते में ये चीजें रिपीट एंड रिपीट आप दोहराई जाएंगी। तो वो चीजें अब नहीं आपको करनी है ना देखनी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ फोकस्ड होना है। अगर ये पर्सन इस चीज को लेकर भी आप पे पॉइंट कर रहे हैं, तो इस चीज को लेकर आपको किसी भी सूरत में गिल्टी फील नहीं करना, क्योंकि दिस इज योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी है, ठीक है। आप यहाँ पर हर तरह से चीजों को डील करने के लिए तैयार हो, बात तो इनकी आती है, इन्हें यहाँ पर सोचना है। तो अल्टीमेटली जब अगर इस रिश्ते में पीसफुल रिजोल्यूशन होता है किसी भी वे में,
तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ो, और अगर ऐसा नहीं है, अगेन वही चीजें हैं, तो आपसे बोला जा रहा है वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे वर्क करो, ठीक है। चीजें ऐसी नहीं है कि अपने आप पर वर्क करने पर सुधरेंगी नहीं, इम्प्रूवमेंट्स नहीं होंगे, चीजें तभी भी सुधरेंगी, बल्कि उससे बेहतर सुधरेंगी। बस फर्क इतना है कि आप उन चीजों को उस पल में एक्सेप्टेंस के मोड से देखोगे, जो अभी नहीं देख पा रहे हो। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस दी जा रही है, थोड़ा सा समझने के लिए बोला जा रहा है। आज आप जिंदगी के उस मोड़ पर हो जहां पर बिना समझे चीजें नहीं करनी है आपको, ठीक है। सो आई होप व्यूअर्स, मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, क्लेम नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए मैं नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।